कमजोर बढ़ गए, जवान बढ़ गए, अत्याचार है, तो उनका हरण करने के लिए भगवान अपने आप को प्रकट कि भगवान प्रकट हो सके। प्रकट होने के बाद में भगवान का नामकरण होता है। संक्षेप में याद करता हूँ क्या 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 हो चुका है, महीना वक्त हो गया ना, पता नहीं कहाँ चला गया होगा, ठीक है, महीने भर में तो कहाँ भूल गए होंगे, तो स्मरण कराए। तो भगवान का जन्म होता है, कौशिका जी बहुत प्रसन्न होती है, दशरथ जी प्रसन्न होते हैं, फिर भगवान का नामकरण होता है, पूरा उन्हें संस्कार होता है, भगवान विद्या पढ़ने के लिए जाते हैं। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब लाई। भगवान विद्या पढ़ने के लिए गए तो अल्प काल में सारी विद्या आ गई, भगवान की विद्या का विद्या। उसके बाद में भगवान को लेने के लिए कौन आता है, कौन आता है, कौन आता है, विश्वामित्र जी आते हैं।